गुड इवनिंग. गुड इवनिंग बेटा. सब लोग आ गए. ओके. अच्छा जब तक हम देख लेते हैं, कल एक क्वेश्चन हम कर रहे थे. सर वो एक बार फर्स्ट प्रिंसिपल दिखा देना. हेलो हेलो. यस सर. हेलो. हाँ सर एक बार फर्स्ट प्रिंसिपल वाला दिखा देना. फर्स्ट प्रिंसिपल. कौन सा फर्स्ट प्रिंसिपल है सर? वो ड्रिल वन में जो भी है ना. वो फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, उसके लिए आपने को लिमिट सॉल्व करना आना चाहिए. ठीक है. वो लिमिट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद डिफरेंटली पढ़ाऊंगा, तब वो सारे क्वेश्चन हम उसी टाइम करेंगे. ठीक है. तो सर अभी ड्रिल वन नहीं करनी. जो छूटेगा वो छूटेगा फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, और उसके बाद आपकी जो ड्रिल छूटेगी. सी इफ यू आर कंफर्टेबल विद लिमिट्स, मैं आपको ड्रिल वन बता सकता हूँ कैसे सॉल्व करनी है. अगर आप लिमिट्स के साथ कंफर्टेबल हो और आपको लिमिट्स अच्छे से आता है. अच्छा कल हम ये क्वेश्चन आप बाद में पढ़ाने वाले. हाँ पढ़ाऊंगा, मैं सारा कवर करूंगा जो जो अभी बाकी है. हम दो पार्ट अभी छोड़ रहे हैं. जो फर्स्ट पार्ट है वो है सॉल्विंग यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल एब इनिशियो मेथड. ठीक है. और दूसरा जो हम छोड़ रहे हैं वो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अभी क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद उनका डिफरेंशिएशन भी सीखेंगे. ओके ठीक है. ओके. कल हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो ये वाला क्वेश्चन था, x अंडर रूट 1 प्लस y प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x वाला क्वेश्चन था. ठीक है. इक्वल टू 0. तो आपको प्रूफ करना था. अच्छा जो मैंने कल लिखा था उसमें प्रूफ दैट में भी कंप्लीट नहीं लिखा था. प्रूफ दैट में आपको ये प्रूफ करना है. ठीक है. ये 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन. ठीक है. ये आपको प्रूफ करना है. अच्छा अब जो फर्स्ट मेथड हम यूजुअली कर रहे थे वो कौन सा मेथड है, उसमें हम नॉर्मली डिफरेंशिएट करे जा रहे थे फंक्शन को. ठीक है. तो उसके बाद कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हमारे पास आया. ठीक है. अब इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, कल मैंने आपको बताया था जैसे हम रिप्लेस कर रहे थे चीजों को, तो कुछ इस स्टेप तक हम आ गए थे रिप्लेस करने के बाद. ठीक है. ऐसा कुछ रिप्लेस करने के बाद आपको दिख रहा है, और इसके बाद भी आंसर नहीं आ रहा था. अब इसके बाद आंसर आप कैसे लेके आएंगे, जो अगर आप आंसर अपना देखोगे तो आंसर पूरा एक्स के टर्म्स में है. ठीक है. जबकि यहाँ पे आपके पास आंसर जो है उसमें वाई भी है और उसमें एक्स भी है, तो मुझे y को x के टर्म्स में कम्प्लीटली रिप्लेस करना पड़ेगा. ठीक है. इज इट क्लियर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, y को कम्प्लीटली x के फॉर्म में रिप्लेस करना पड़ेगा. यूजुअली हम ये मेथड प्रिफर नहीं करते हैं आंसर को देखने के बाद. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि देखो जो हमको प्रूव करना है अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो इसमें क्या लिखा है, dy by dx is minus of 1 upon 1 plus x का होल स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर आई कम टू नो दैट द डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन इज प्योरली इन टर्म्स ऑफ x. ये कब होगा, जब y को मैं प्योरली x के फॉर्म में लिख पाऊंगा तो dy by dx भी प्योरली x के फॉर्म में लिखा जा सकता है. ठीक है. तो अभी जो मैं मेथड 2 आपको बताने वाला हूँ वहां से हम पहले y को x का फंक्शन निकालेंगे, और वही y को x के फंक्शन को हम इस स्टेप में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. ठीक है. तो आपका वो भी प्रूव हो जाएगा. सो रादर देन गोइंग फॉर दिस लॉन्गर प्रोसीजर हम यूजुअली उसको फॉलो करते हैं. ठीक है. लेकिन वो मेथड कैसे पता चली मुझे, वो मैंने आपको बता दिया है. जो हमारे पास dy by dx है वो प्योरली x के फॉर्म में है. ठीक है. ये कब पॉसिबल है, जब y एक्सप्लिसिटली x के फॉर्म में डिफाइन होगा तभी ऐसा पॉसिबल है. ओके. तो लेट्स स्टार्ट. ठीक है. तो मैं क्वेश्चन को यहाँ से एक बार उठा लेता हूँ. लेट्स टेक इट फ्रॉम हियर. ओके. और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. ठीक है. आप ड्रिल कर रहे होंगे और ड्रिल्स में आपको जो भी डाउट आता है
आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, आई विल बी गिविंग यू द आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x अंडर रूट 1 प्लस y है, इसको मैं लिख देता हूँ उस साइड लेके जाके, y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। व्हाट माय टास्क इज, आई हैव टू गेट y एज अ फंक्शन ऑफ x, तभी मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो जो मेरा डिफरेंशियल dy बाय dx आएगा वो प्योरली इन टर्म्स ऑफ x आएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देता हूँ, तो लेट्स डू स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग करने पे क्या मिला, x स्क्वायर 1 plus y is equals to y square 1 plus x. So from here we'll get x square into y is equals to y square plus xy square. Is it clear? अब यहाँ पे देखो, इसके बाद है ना दो steps हम कर सकते हैं। First step जो हम करेंगे, दो method है इसको करने के, देखो या तो ये यहाँ से pure बहुत अच्छे से factorize हो जाएगा या ये factorize नहीं होगा, will not be factorized, ठीक है। मैं आपको generally बता रहा हूँ, देखो या तो फैक्टराइज हो जाएगा या तो फैक्टराइज नहीं होगा। अगर फैक्टराइज हो रहा है तो कैसे होता है, देखो x square minus y square is equals to xy square minus x square y. तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से xy कॉमन लेता हूँ, बचेगा क्या y minus x, इसको फैक्टराइज करता हूँ, x minus y into x plus y में फैक्टराइज हो जाएगा। अब x minus y as a factor अगर मैं कट करता हूँ तो यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास सॉल्व करने के बाद अभी क्या बचा हुआ, मेरे पास बचा है x plus y is equals to minus of xy, पर ये मैं कट कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ, x कभी y के बराबर नहीं होगा, क्यों, अगर x अगर y के बराबर हो जाएगा इस केस में तो ये क्या बन जाएगा, 2 अंडर रूट ऑफ, ये बन जाएगा आपके पास 2x, ठीक है, क्यों, x अंडर रूट 1 प्लस x, x अंडर रूट 1 प्लस x, सो 2x अंडर रूट 1 प्लस x इक्वल टू 0 हो जाएगा एक्सप्रेशन, व्हिच डज नॉट मेक एनी सेंस, ये कोई सेंस नहीं बना रहा है, ठीक है, ये कोई सेंस नहीं बना रहा है, इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस, y equal to x का function मुझे बनाना है, ठीक है। तो अब x minus y मैंने कट कर दिया, जहां से मुझे पता चला कि x की value y के बराबर, ये एक function हो सकता था, one function could have been this, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, x दो factor बने, एक factor ये और एक factor मैंने आपको ऊपर लिख के दिया है, दूसरा factor क्या है, x plus y is equals to minus of xy, तो अगर मैं इसमें y को वहां ले जाता हूँ तो क्या बनेगा मेरे पास, देखो x is equals to minus taken out common and this will be xy plus y. अगर मैं इसमें से y common निकालता हूँ, next slide में ले जाता हूँ इसको, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x is equals to minus of y into 1 plus x. If you see, y common निकाल लिया, 1 plus x बचा, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, x minus of x upon 1 plus x, ठीक है, ये आपके पास y हो गया, is it clear? अब अगर yes पूछे, so वो y minus x और x minus y कट कैसे हुआ, वो समझने के लिए कॉमन फैक्टर कट कर दिया ना हमने, ये माइनस वन जनरेट करेगा तो एक्स माइनस वाई बन जाएगा, और ये एक्स माइनस वाई ऑलरेडी यहाँ पे एक फैक्टर प्रेजेंट है, ओके, ठीक है, तो ये कॉमन फैक्टर हमने दोनों साइड कैंसिल कर दिया है, ओके, तो यहाँ से क्या पता चला, वाई की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। अब डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं इसका निकालता हूँ तो क्या करेंगे, क्वेश्चन रूल लगा देंगे, तो क्वेश्चन रूल में नेगेटिव का साइन तो आप बाहर ही रखो, एक्स का डिफरेंशियल वन डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस एक्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ वन प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये दे देगा माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हमको प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर लिया है। अच्छा, जो हम पहले से मेथड कर रहे थे उसमें सब्सटीट्यूशन क्या करेंगे आप, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, अगर आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे इस स्टेप में, हाँ ये वाला, ठीक है, ये स्लाइड दिख रही है आपको, ये जो मेरे पास आया है dy by dx आया हुआ है, ठीक है, जो x और y के फॉर्म में दोनों में अवेलेबल है, काफी लेंथी प्रोसीजर है, हम यूजुअली इसको फॉलो नहीं करते, लेकिन बच्चे यूजुअली जब इसके अंदर घुस जाते हैं तो निकलना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रोसीजर आपको मेथड वन फॉलो नहीं करना है, जब मुझे आंसर पता है, ठीक है, जब मेरे पास अगर मैं आंसर देखता हूँ तो वो आंसर में क्या है, सी क्वेश्चन में क्या था, वाई और एक्स एक साथ थे, लेकिन आंसर में क्या, वाई और एक्स एक साथ नहीं है, इसका मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स सिर्फ एक्स के फॉर्म में है, वो कब पॉसिबल होगा, जब वाई प्योरली एक्स का फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, तो डिफरेंशिएट अगर उसको हम करेंगे तो वो भी सिर्फ एक्स के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लिक होगा कि हमें इसको y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में बनाना है और सॉल्व करना है।
अच्छा अब मैंने आपको ये बताया कि जब फैक्टराइज हो गया तो आपने फैक्टराइज कर लिया, लेकिन जब फैक्टराइज नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो जब ये फैक्टराइज नहीं होता है उस केस में हम क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इन वाई ले लेते हैं. क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक इन वाई लेके सॉल्व करते हैं. ठीक है, क्वाड्रेटिक वाई के फॉर्म में है तो अगर रूट्स निकालूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, वाई इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म में रूट्स आ जाएंगे आपके पास. इज इट क्लियर? ठीक है, जैसे हम लीनियर इक्वेशन करते थे ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में दो स्ट्रेट लाइंस को सेपरेट करने के लिए, सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे. यस आई सर, इसके आगे वाली स्लाइड करनी, इससे आगे वाली ये है सर. नहीं वो नहीं, मतलब इसके आगे ये वाला. यस यस यस. सर वो आपने बोला था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, एक बार पढ़ा था. हाँ बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी बता रहा हूँ सर. एक मिनट ये लिख. आप सिर्फ दो ड्रिल आपको अभी छोड़नी है, थर्ड ड्रिल, एक ड्रिल और जो मैंने होमवर्क में भी आपको नहीं दिया वो आप कर पाओगे. वो बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन है, वो भी हम पढ़ेंगे. यस ताहिर, कोई डाउट है सर? मतलब जब फैक्टराइज ना हो तभी हम लोग क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, मतलब इस केस में तो फैक्टराइज हो रहा है इसलिए हमने नहीं करा. इसमें भी क्वाड्रेटिक बना सकते हो आप, लेकिन फालतू में मेहनत क्यों करनी जब फैक्टराइज ऑलरेडी हो रहा है. इसको जब सॉल्व करोगे तो वाई के दो रूट्स आ जाएंगे. क्या आ जाएंगे? एक रूट आ जाएगा माइनस एक्स बाय वन प्लस एक्स, और दूसरा एक रूट आ जाएगा वाई इक्वल टू एक्स. हाँ सर, दो रूट्स आ जाएंगे, लेकिन यूजुअली जहाँ पे हमसे फैक्टराइज नहीं होगा वहां पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट्स निकालेंगे. जहाँ फैक्टराइज हो रहा है तो निकाल लेंगे ना. ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चन ले लेते हैं मॉड्यूल के आपके. सर, यस बेटा. सर वो e raised to the power x plus e raised to the power minus x divided by e raised to the power x minus e raised to the power minus x वाला नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, ये तो बता दो क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? e raised to power of x plus e raised to the power minus x. Yes. Divided by x minus e raised to the power minus x. ये y दिया हुआ. वो ये आपको dy by dx निकालना है ना? हाँ सर. ठीक है, तो क्या करो आप, इसको पहले कन्वर्ट कर लो 1 upon e raise to x में, ये हो जाएगा e raise to 2x plus 1 upon e raise to power 2x minus 1, इसको ये हो y. सही है? अब अगर मैं इसको differentiate करूँगा तो dy by dx क्या जाएगा? Differential of the numerator e raise to power 2x into 2. ठीक है, ये बनेगा e power 2x minus 1 minus 2 into e power of 2x into e raise to power 2x plus 1 upon e raise to power 2x minus 1 का होल स्क्वायर. सही है? तो dy by dx आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे? इसको मैं ये वाला फॉर्म यहाँ करेंगे तो ये रहेगा e raise to 2x कॉमन निकाल लिया, e raise to 2x minus 1 minus e raise to 2x minus 1 upon e raise to 2x minus 1 का होल स्क्वायर. सही है? तो ये होगा 2 e raise to power of 2x और एक minus 2 हो गया और
सर यस सर सर ड्रिल फोर में डाउट है सर मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ जो प्रॉब्लम आपके डाउट हो सकते हैं ठीक है सुबह मुझसे अलियस ने भी पूछे थे ठीक है एक बार देख लेना अगर वही क्वेश्चन आपके भी डाउट है नहीं तो फिर वो भी डिस्कस कर लेंगे ठीक है ठीक है सर देखो अब पूजन ठीक है हाँ सर ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं देखो एक क्वेश्चन कुछ अगर ऐसा आपको मॉड्यूल में दिख रहा है ये हो गया आपसे वाई इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स रेज टू एक्स ठीक है इसमें क्या करना है हमको दोनों साइड एलएन लेना है ठीक है इसको मैं फिर से सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा एक्स रेज टू एक्स एलन एक्स का डिफरेंशिएशन मुझे करना है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा ठीक है तो एक्स रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन एक बार करूंगा ln x को कांस्टेंट रखूंगा फिर x रेस्ट x को कांस्टेंट रखूंगा ln x का डिफरेंशिएशन करूंगा ठीक है तो x रेस्ट x का डिफरेंशिएशन क्या है याद रखोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा x रेस्ट x 1 + ln x अच्छा यूजुअली मैं बोल रहा हूं याद रखोगे जल्दी हो जाएगा बट ऐसे याद नहीं रखते आप बैठोगे घर पे याद रखो x रेस्ट x का क्या होता है क्या होता है इतने सारे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आपको ये फार्मूला याद रह जाएगा ठीक है तो x रेस्ट x का डिफरेंशिएशन होगा x रेस्ट x 1 + ln x और ln x as it is plus x raised to x constant की तरह treat होगा ln x का differentiation 1 upon x हो जाएगा ठीक है अब हमने क्या किया है अब हमने इसके बाद क्या कर दिया y को उधर ले गए मल्टीप्लाई कर दिया तो dy by dx यहां से बहुत इजीली आ गया आपके पास x raised to x ठीक है in bracket x raised to x 1 plus ln x into ln of x plus x raised to x minus 1 हो जाएगा क्यों x raised to x है और एक x से डिवाइड कर दिया तो पावर x से मिल गया x रेश्यो x माइनस 1 हो गया हां पूजन कोई डाउट है क्या पूजन सर मैंने बहुत पहले करा था वो लोअर करना रह गया ओके ठीक है तो इसको देख सकते हैं आप है ना तो एक बार नोट डाउन कर लो इसको देन विल गो विद नेक्स्ट क्वेश्चन
हेलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे sin x raised to 10x plus tan x raised to sin x y है आपको dy by dx निकालना है इस क्वेश्चन में मेरी आवाज आ रही है ना सबको ताहिर has a doubt yes ताहिर हो गया ना क्वेश्चन ठीक है तो ये क्वेश्चन में यूजुअली क्या है बच्चे यहाँ पे जो मिस्टेक करते हैं मैं आपको भी बता दूँ हम क्या करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे लॉग ले लेते हैं विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग लॉग कभी भी एडिशन पे आप नहीं ले सकते लॉग हमेशा आपको मल्टीप्लिकेशन पे लेना है इसमें आप क्या करेंगे दो अलग अलग फंक्शन अज्यूम करेंगे यू और वी और यू फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट करेंगे और फाइनल इधर वैल्यू पुट कर देंगे डिफरेंशिएशन की वी एक अलग फंक्शन लेंगे उसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे ठीक है अब यू फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे तो उसमें लॉगरिथम का यूज होगा ठीक है आई गेस इट्स क्लियर है ना एक क्वेश्चन और भी ले लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है ये क्वेश्चन ही हमारे आंखों के सामने x raised to y plus y raised to x is equals to a raised to b दिया हुआ है ठीक है तो x raised to y plus y raised to x is equals to b तो अगर इसमें मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो मुझे पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा फिर इसको डिफरेंशिएट करना होगा इसका डिफरेंशियल जीरो होगा अब x is to y का डिफरेंशिएशन कैसे होगा उसके लिए फिर आपको लॉग लेना पड़ेगा ठीक है तो वही हमने यहाँ पे किया है लेट u बी ठीक है y raised to x देन वी विल टेक ln ऑन बोथ द साइड्स सो ln u विल बिकम ln ऑफ y raised to x ठीक है दोनों साइड लॉग ले लिया आपने ठीक है आई गेस इट्स वेरी इजी एंड क्लियर अभी भी अगर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं सर हम उसको डायरेक्ट y इनटू x रेस टू y माइनस 1 नहीं लिख सकते नहीं लिख सकते y x का अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो y x की पावर n माइनस 1 नहीं लिख सकते यहाँ पे x सिर्फ नहीं लिख सकते इसको करने के दो मेथड्स हैं मेथड 1 जो हमने कल पढ़ा था एक पढ़ा था लॉगरिथम वाला और मेथड 2 जो मैंने आपको बताया वो क्या बताया एक बार y को कांस्टेंट रखो एक बार x को कांस्टेंट रखो और डिफरेंशिएशन करके दोनों को ऐड कर लो इसका तो आपने सर फार्मूला डायरेक्ट बताया ना y raise to x into ln y y raise to x into ln y नहीं डायरेक्टली नहीं लिख सकते आप x raise to x का है वो तो डिफरेंशिएशन x raise to x का डिफरेंशिएशन है x raise to x 1 plus ln x नहीं सर आपने ऐसा भी लिखवाया था a raise to x का अरे लेकिन y बेटा वेरिएबल है कांस्टेंट थोड़ी ना है ओके okay. ठीक है कांस्टेंट होता तो मैं डायरेक्टली लिख सकता था कांस्टेंट थोड़ी है सर तो मतलब ये केस में हम वापस बता दो एक बार क्या करना है हमको इसमें दो केसेस हैं या तो हम लॉग ले लेंगे ठीक है ठीक है या तो हम लॉग ले लेंगे ठीक है तो देख लेते हैं एक बार मान लेते दोनों साइड हमने लॉग ले लिया तो ln ऑफ इसको एक फंक्शन u ले लिया तो ln ऑफ y raised to x क्या हो जाएगा ln ऑफ u ठीक है तो यहां पे क्या हो जाएगा x ln y is equals to ln ऑफ u अब डिफरेंशिएट कर दिया तो x कांस्टेंट रखा ln y का डिफरेंशिएशन 1 upon y dy by dx plus x का डिफरेंशिएशन 1 ln ऑफ y is equals to 1 upon u du by dx ठीक है ओके अच्छा दूसरा मेथड ओके तो अब क्या करेंगे इसके बाद अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन आपको क्या करना है du by dx कैसे निकालना है तो u इधर चला जाएगा x upon y dy by dx plus ln of y आ गया आपके पास ठीक है into u हो गया this will be du by dx अब ये du by dx को इसमें रिप्लेस करना है हमको किसमें इसमें ये du by dx की वैल्यू हमको इसमें रिप्लेस करनी है ठीक है यहां पे v लिया है पीछे u लिया है लेकिन जो भी आपने वेरिएबल लिया है उसको यहां पे आपको रिप्लेस करना होगा ठीक है तो अगर यहाँ पे अब ये u है तो u नहीं रख सकते आप इसको क्या करना पड़ेगा y के पावर x में एज इट इज लिखना पड़ेगा ठीक है अब यहाँ पे ऐसे आप u में लिखोगे ऐसे आप v में लिखोगे तो जो ये एक्सप्रेशन होगा इसमें x y और dy by dx के टर्म्स में कुछ चीजें लिखी हुई होगी तो सारे dy by dx को एक साथ क्लब करना है ठीक है सारे dy by dx को एक साथ क्लब करना है और निकालना है इसको
ठीक है. अब दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया, दूसरा मेथड में क्या है, या तो आप y को कांस्टेंट ट्रीट करो या तो आप y को वेरिएबल ट्रीट करके सॉल्व करो. यस अलियास का यस अलियास सर हेलो. हाँ अलियास सर हेलो सर, एक बार दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर निकाल दो ना. दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर निकाल दूं? ये टर्म को कॉपी कर लो पीछे. एक टर्म ये है मेरे पास, ठीक है, और एक टर्म मैंने सॉल्व किया था सुबह तुम्हारे लिए, वो ये रहा. ठीक है, dv by dx और du by dx आ गया. अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे मेरे पास a raise to b था, इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो इज इक्वल टू, इफ आई मल्टीप्लाई दिस व्हाट आई गेट, y raise to x, x upon y, dy by dx plus ln of y, I guess I'm clear, है ना, plus u क्या है, x raise to y, y by x plus ln x dy by dx. ठीक है, अब सारों को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, देखो y की पावर x है और एक y की पावर घटा रहा हूँ, तो y की पावर x माइनस वन हो जाएगा इंटू एक x लग जाएगा, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, प्लस y की पावर x ln of y लिखा है, प्लस अगर हम इसको थोड़ा देखेंगे, x की पावर y है और एक x की पावर से डिवाइडेड है, x की पावर y माइनस वन और बाहर y है, प्लस x raise to y ln x dy by dx, ठीक है, इक्वल टू जीरो, तो dy by dx को यहाँ से क्लब करके बाहर निकाल सकते हो आप, देखिए आ जाएगा, ठीक है, x y raise to x minus 1 plus x raise to y ln of x, is it clear, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ y raise to x ln y plus y x raise to y minus 1, ठीक है, ओके. अभी अगर डाउट है तुमको, अब dy by dx इसके नीचे लेके जा पाओगे तुम? हेलो, हाँ सर, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा. वेरी गुड, चलो ठीक है, अब हो जाएगा ना आपसे, चले आगे. तो ये कुछ था आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो हम देख रहे थे, ठीक है. अब थोड़ी बहुत और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसमें थोड़ी और वैरायटी होगी, ठीक है. लेट्स गो विद सम फ्यू मोर क्वेश्चंस, लेट्स टेक डाउन अनदर क्वेश्चन. ये क्वेश्चन करेंगे आप मेरे लिए, फिर इसका मैं शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज भी पढ़ने वाले हैं. ऐसे लिखा है, x raise to m y raise to n is equal to x plus y raise to m plus n. Raise to m plus n. Prove that dy by dx is equal to y by x. ये J 2006 का क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे आप बताइए. करणवीर समझ आ रहा है तुमको सब? हेलो हेलो हेलो, ठीक है,
इंशिया पता चल रहा है सब आपको? इंशिया अटक तो नहीं रहा ना वीडियो? नहीं। बुरानुद्दीन सब पता चल रहा है? ओके चलिए आई गेस वी शुड स्टार्ट विद द प्रूविंग क्वेश्चन। कितनों से हो गया है क्वेश्चन? इसका बहुत मोस्ट शॉर्टकट है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है? तो बिल्कुल पागल हो जाएंगे आप शॉर्टकट जान के। साहिल से हो गया, वेरी गुड साहिल, क्या बात है। साहिल हो गया क्वेश्चन? हां मतलब सर ऑलमोस्ट हो गया, सिर्फ लास्ट दो तीन स्टेप बाकी था, डिफरेंशिएट कर दिया सर। चलो करो करो फटाफट करो, काफी बड़ा एक्सप्रेशन बन रहा होगा, काफी बड़ा। काफी ज्यादा मेहनती क्वेश्चन है ये, आपको मेहनत लगेगी करने में। सबसे हो जाएगा। हो गया सीसो करने का दो मेथड है, या तो आप इसको शॉर्टकट जो है वो थर्ड मेथड में हम कंसीडर करेंगे, या तो आप लॉग लेके सॉल्व कर लो, या तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन आप करो तो भी चल जाएगा, ठीक है? और जो शॉर्टकट में आपको बताऊंगा वो कहाँ कहाँ वर्क करता है, वो हर होमोजीनियस इक्वेशन पे वर्कआउट करता है। होमोजीनियस इक्वेशन व्हिच इज गिवन टू यू, ठीक है? जिन्होंने अभी तक कोशिश की है उनके लिए फटाफट देख लिया। नॉर्मली अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या जाएगा, m x raise to n minus 1 into y raise to n plus x raise to m n y raise to n minus 1 into dy by dx, ठीक है, is equals to m plus n, ठीक है, x plus y raise to m plus n minus 1 into x plus y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 plus dy by dx हो जाएगा, सही है? तो कुछ आपके पास ऐसा बन रहा है, देखो सारे डीवाई बाई डीएक्स को एक साइड लेके मैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा एम एक्स रेस टू एम माइनस वन वाई रेस टू एन, ठीक है, माइनस ऑफ m plus n into x plus y raised to m plus n minus 1। यहाँ से एक्सप्रेशन को मैं उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले गया, ठीक है? अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, m plus n x plus y raised to m plus n minus 1 into dy by dx, इसके साथ है तो dy by dx हम कॉमन निकालने वाले हैं, तो एक चीज ये आ जाएगी, ठीक है, माइनस ऑफ n x raise to m y raise to n minus 1 पूरा बाहर आ जाएगा और ये dy by dx आ जाएगा आपके पास। I think this is clear, हाँ? तो अगर मैं dy by dx लिखता हूँ तो dy by dx क्या हो जाएगा मेरे पास, dy by dx मेरे पास हो जाएगा dy by dx हो जाएगा मेरे पास m x raise to m minus 1 y raise to n minus m plus n x plus y raise to m plus n minus 1 upon m plus n
x plus y raised to m plus n minus 1 minus n x raised to m y raised to n minus 1. Is it clear? So, you have such expression ban raha hoga. Ali Asghar ko kuch doubt aa raha hai. Yes, Ali Asghar. क्या कर सकते हैं एलएन लेके क्यों नहीं कर सकते कर सकते ना मैंने कब नहीं बोला भाई कब ना बोला सुना क्या तुमने मेरे मुंह से कि नहीं कर सकते एलएन से आप कर सकते ना करो ना तुम आप एलएन लेके सॉल्व करें ठीक है अब मेरे पास तो एक हाथ है और एक ही स्क्रीन है ठीक है एलएन से कर ले आप हो जाएगा आपसे ठीक है सर आंसर नहीं आ रहा है हाँ हाँ कोई बात नहीं एल एन से सॉल्व करके भी मैं दूंगा तुमको टेंशन मत लो तुम एक मेथड जो कर रहा हूँ वो तो कर लो इससे कर लो ठीक है नॉर्मल डिफरेंशिएशन से ही करके दे रहा हूँ आपको ठीक है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये वाली वैल्यू है अब देखो हम क्या करने वाले हैं थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा देखो क्यों मैं ऐसे बता रहा हूँ अगर आप थोड़ा देखो एक्स की पावर पूरा एम और वाई की पावर पूरा एम इफ यू कैन सी इट ओवर हियर ठीक है एक्स की पावर पूरा एम और वाई की पावर पूरा एन कुछ काम लग सकता है ठीक है तो दैट इज व्हाट कैन हेल्प x रेस्ट टू m और y रेस्ट टू n पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ तो अगर मैं इसको होल पावर बनाना चाहता हूं तो क्या मैं इसको न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को y से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पावर्स कंप्लीट हो जाएंगी इनकी अच्छा अगर ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसको कंपनसेट करने के लिए एक और रखना पड़ेगा y / x तो जब ये x ऊपर मल्टीप्लाई होगा और y नीचे मल्टीप्लाई होगा ऊपर का मतलब इस न्यूमरेटर के साथ तो कुछ आपको एक्सप्रेशन अब ऐसा दिखना चाहिए m x raised to m y raised to n minus m plus n x plus y raised to m plus n minus 1 into एक x भी होगा और नीचे क्या हो जाएगा m plus n x plus y raised to m plus n minus 1 और एक y होगा नीचे ठीक है और ये जाएगा m x raised to m y raised to n ठीक है और एक y by x भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपके साथ देखो ऐसा कुछ बन रहा है क्या आपके पास अब x की पावर n y की पावर n को हम कुछ लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं x plus y raised to m plus n लिख सकते हैं ठीक है वही रिप्लेस कर थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो ठीक है टाइम खत्म हो रहा है फिर नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे सेकंड मेथड भी मैं बता दूंगा अगर आपका नहीं आ रहा है वरना अभी ब्रेक में आप एक बार ट्राई कर लेना